नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक उपाध्याय और आप देख रहे हैं अपना मन पसंदीदा चैनल इंडिया बोलेगा। शासन स्तर से जौनपुर के 21 ब्लॉकों के आरक्षण की लिस्ट जारी कर दी गई है, जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। मुफ्तीगंज के ब्लॉक प्रमुख पद की कुर्सी महिला सामान्य है, तो सिरकोनी के ब्लॉक प्रमुख पद की कुर्सी पिछड़ा वर्ग के लिए घोषित की गई है। रामनगर के लिए अनुसूचित जात के लिए है, तो सिकरारा की कुर्सी महिला सामान्य है। सुईता कला की सामान्य है, तो मछली शहर की पिछड़ा वर्ग के लिए है। इसी तरीके से जलालपुर की पिछड़ा वर्ग के लिए है, तो डोभी की ब्लॉक प्रमुख पद की कुर्सी महिला वर्ग के लिए आरक्षित की गई है। खुटहन ब्लॉक प्रमुख पद की कुर्सी अनुसूचित जात महिला के लिए है, तो करंजा कला ब्लॉक प्रमुख पद की कुर्सी पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित की गई है। इसी तरीके से मड़ियाहू में पिछड़ा वर्ग महिला के लिए सीट आरक्षित की गई है, तो केराकत में सामान्य ब्लॉक प्रमुख पद की कुर्सी बनी हुई है। इसी तरीके से बरसठी में भी सामान्य वर्ग के लोगों के लिए चुनाव के लिए कुर्सी बनी हुई बरकरार रहेगी, तो वहीं सुजानगंज में भी सामान्य वर्ग के लिए के लोग चुनाव लड़ सकते हैं। मुगरा बादशाहपुर में भी सामान्य वर्ग के लोग चुनाव लड़ सकते हैं। तो यह थी जिले के 21 ब्लॉकों के ब्लॉक प्रमुख पद के चुनाव लड़ने के आरक्षण की स्थिति कि यहाँ इस जात के लोग चुनाव लड़ सकते हैं, जिसमें महिला सामान्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जात महिला सामान्य अनुसूचित जाति महिला पिछड़ा वर्ग महिला के लोग चुनाव लड़ सकते हैं। तो इसके बाद हम आपको बता दें कि इन एक एक ब्लॉक में क्या है स्थिति, उसको भी आप थोड़ा समझ लीजिए कि मुफ्तीगंज में ब्लॉक में कुल 52 ग्राम पंचायत हैं। यहाँ की 2011 के जनगणना के अनुसार 1,27,697 आबादी है। इसमें अनुसूचित जनजाति के 82 तो अनुसूचित जात के 38,807, अन्य पिछड़ा वर्ग के 74,471 लोग मैदान में हैं। अभी भी आपको 6 सीटों पर आरक्षण की स्थिति बताना बाकी है। आपको बता दें कि शाहगंज में SC मतलब अनुसूचित जात के लिए आरक्षण तय हुआ है शाहगंज ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी के लिए, तो महाराजगंज में अनारक्षित मतलब सामान्य वर्ग के कोई भी व्यक्ति यहां चुनाव लड़ सकते हैं। तो धर्मापुर में पिछड़ा वर्ग बैकवर्ड क्लास के लिए कोई भी प्रत्याशी मैदान में ताल ठोक सकता है। वहीं रामपुर में सामान्य वर्ग का कोई प्रत्याशी लड़ सकता है, तो बक्सा में SCL यानी अनुसूचित जनजात का कोई भी महिला जो है यहाँ चुनाव लड़ सकती है। इसके अलावा बदलापुर में सामान्य वर्ग का कोई भी प्रत्याशी यहाँ पे चुनाव लड़ सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर।